बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। 9th क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे गैसेस की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हम डिटेल के साथ उनकी डिफ्यूजन एफ्यूजन और गैसेस का प्रेशर और मोबिलिटी और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस और उनके असरात पढ़ चुके हैं। फिर हमने लिक्विड्स की जो है दो प्रॉपर्टीज़ इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर वो डिस्कस की थी। आज हमने पढ़ना है जी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, ये आज हम सीखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है हमारे पास। डेफिनेशन के इट इज़ द टेम्परेचर, ये वो दर्जा हरारत है एट विच जिस दर्जा हरारत पर एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल। ये वो वाला दर्जा हरारत है बॉइलिंग पॉइंट जिस पर बैरूनी प्रेशर जो कि हम 1 एटमॉस्फेरिक ज़्यादातर लेते हैं और अंदर वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर ये दोनों बराबर हो जाएं। वेपर प्रेशर आपने कल देखा था वो क्या होता है हमारे पास कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर वो दोबारा से कंडेंस होकर नीचे आना चाहते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वो होता हमारे पास वेपर प्रेशर होता है जी। वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, मतलब खोलना शुरू कर देता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जाकर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम सीखेंगे। वेपर्स का बनना जो है ये एक अमल है जो हमने इवेपोरेशन में या फिर वेपर प्रेशर में पढ़ा था। जब भी आप आग जलाते हैं किसी भी लिक्विड के नीचे तो क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे तो वो मॉलिक्यूल की फोर्सेस जो हैं उनको तोड़कर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो वो गैस बन के हवा में उड़ जाएंगे। तो मतलब क्या होगा जी, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सारे का सारा। तो ये वाला हमारे पास बॉइलिंग का यही रूल है कि क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तेज़ी से हरकत करेंगे, हरकत करते हुए वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। वो वाला वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है जी, एक नेचर है, तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और तीसरा है हमारे पास वो वाला है एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखिए नेचर, नेचर का मतलब है कि वो किस तरह का होगा, तो वो कैसा शो करेगा। अगर तो वो लिक्विड पोलर है, पोलर लिक्विड्स हमने पढ़े थे कि पोलर लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनमें पोलैरिटी पाई जाए, मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, बॉन्ड जिनके दरमियान बना है, तब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उस लिक्विड को पोलर लिक्विड कहते हैं या पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे भी कह लें। तो पोलर जो होगा उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल फिर दूसरा फिर तीसरा, उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैस बनाना वो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट। आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा फिर जाकर उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने में मदद मिलेगी। वो जब टूट जाएंगी, टूट कर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैस में कन्वर्ट होने से वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उनका हाई होगा पोलर सॉल्वेंट्स का, पोलर लिक्विड्स का। जब नॉन पोलर की बात करते हैं उनमें कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव एंड वाला सीन नहीं होता, तो क्या होता है जी, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास लो होता है। ना उनमें कोई पॉजिटिव एंड होता है ना नेगेटिव एंड होता है, जो हमारे पास होते हैं वैसे ही वो मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ। जब आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो वो जो है ज़्यादा एनर्जी के साथ ऊपर जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब नॉन पोलर जो हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स नहीं हैं, पोल्स नहीं हैं, तो वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है। अब आगे तीसरा पॉइंट हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह मौजूद हैं वहाँ पर, तो ज़्यादा होंगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है ज़्यादा अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की आपस में, वो एक दूसरे को खींच के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, तो इस तरह उनको बॉयल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, तो हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे जाकर वो बॉयल होंगे तो हाई बॉइलिंग पॉइंट उनका होगा। उसके बाद अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं, लेस हैं, तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखा हुआ, आप जैसे ही आग जलाएंगे मॉलिक्यूल एनर्जी हासिल करके ऊपर जाएंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब लो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। और थर्ड है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं जी हमारे पास ये वाला जो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर एक्सटर्नल प्रेशर होगा ज़्यादा, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा कर दें आप तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर लेस हो तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तब भी वो वाला टेम्परेचर ही होता है हमारे पास जबकि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएंगे। अगर बाहर वाला प्रेशर ही ज़्यादा है, 2 एटमॉस्फेरिक 3 एटमॉस्फेरिक 4 एटमॉस्फेरिक है, तो आपको बहुत ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर जाके वेपर प्रेशर लिक्विड का वो इसके इक्वल होगा, फिर बॉयल होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम रखा है आपने, ठीक है, तो क्या होगा जी, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वो लो हो जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। हमारे पास तीन तरह के लिक्विड्स आपकी बुक में शो किए हुए हैं, उन तीनों तरह के लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास। 760 mmHg जो होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास कैसे करते हैं। ईथर जो है वो तकरीबन 34.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर जाकर वो बॉयल हो जाता है ईथर हमारे पास वो। और उसके बाद अगर अल्कोहल की बात करें वो हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल हो जाता है। और अगर वाटर की बात करें तो वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होता है। इनकी वजूहात क्या है जी, ईथर जो है उसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं पाई जाती, ना उसमें कोई पोलैरिटी पाई जाती है, तो वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। जैसे ही आप टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो वो टेम्परेचर नॉर्मल पे ही जाके, रूम टेम्परेचर पे ही तकरीबन जाके वो क्या करेगा जी, ईथर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है जी कि वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अल्कोहल जो है उसमें थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो क्या करता है जी हमारे पास, वो 78 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में नहीं पाई जाती, लेकिन जब वाटर की बारी आती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं। वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत टेम्परेचर हाई देना पड़ता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नियरली हमको देना पड़ता है, फिर जाके वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। या फिर ऐसे कहें कि वाटर का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना शुरू हो जाता है, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है जी, ये वो वाला टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। ये नेचर ऑफ द लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर तो पोलर हमारे पास लिक्विड है तो ये हाई होगा, अगर नॉन पोलर है तो ये लो होगा। और आगे जो बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, अगर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर लेस हैं तो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। और एक्सटर्नल प्रेशर को अगर ज़्यादा कर लिया जाए तो हमारे पास ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, अगर कम कर लिया जाए तो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये वाला कंपैरिजन है हमारे पास ईथर, अल्कोहल और वाटर का। ईथर बहुत ज़्यादा जल्दी बॉयल होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं
और दूसरा हमारे पास ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है तो जल्दी हो जाएगा। जैसे ही थोड़ी सी पोलैरिटी बढ़ाएं तो हमारे पास अल्कोहल आता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट और इसके जो है डिफरेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।